साथियों हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज जो है नाग पंचमी है और हम आ गए हैं भालका गांव, और भालका गांव से हमें फोन से सूचना मिला था। बोलिए बाबू खान जी। हाँ भाई, मुबारक भाई, देखिए ना उसमें सांप निकला है, वहां पर में सांप है। अच्छा, कहाँ सांप है? लकड़ी में, लकड़ी अच्छा, लकड़ी में सांप है। हाँ। तो साथियों आज तमाम देशवासियों को नाग पंचमी में मुबारक जी के तरफ से आभार अभिनंदन जोहार सलाम अलैकुम केम छो और सत श्री अकाल। तो इसमें देखा गया है ये लकड़ी के अंदर। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा आप लोग हमारी मदद करें। मदद में क्या करना है, लकड़ी जो है थोड़ा सा अगर आप ही लोग सहयोग कीजिएगा तो इसके भीतर है। हाँ, उसी के अंदर में। अच्छा चलिए, इसके भीतर कहीं ना कहीं सांप। हाँ हाँ, अरे बहुत प्यारा सांप है, हमारे लिए तो प्यारा। आई आई आई, आप लोग आ जाइए इधर। हाँ 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 हाँ, वो मोबाइल हटा लीजिए, मोबाइल। हाँ मोबाइल हटा लीजिए, मोबाइल हटा लीजिए। किसी को ये काटा नहीं है, पूंछ मोटा हो गया है इसका। लड़ाई चूहा से है। किससे लड़ाई है? चूहा से। इसको पकड़िए, थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए आप लोग। साइकिल हटा दीजिएगा तो और मजा आएगा देखने में। देखिए देखिए देखिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। किस्मत जी, ये जो पूंछ है मोटा हो गया है, कैसा लग रहा है? किसी को काटा है बताइए। लगता तो है कि बिल्कुल गलत है, अंधविश्वास है। चूहा से इसकी लड़ाई होती है। किससे लड़ाई होती है? ब्लैक माउस, चूहा से। चूहा बार बार पूंछ को वार करता है। किस्मत जी जरा कैमरा यहाँ पर फोकस कीजिए। यहाँ पर चूहा बार बार काटता है, और काटने से क्या होता है, ये छोटा पड़ जाता है, इसलिए मोटा हो गया। यही लोगों को लगता है कि ये आदमी को काट लिया, जानवर को काट लिया। बिल्कुल गलत है। बहुत सुंदर अद्भुत, देख रहे हैं, कुदरत का बनाया हुआ अनमोल तोहफा जिसे सांप कहते हैं। सांप नहीं, सांप के नाम से डर है। अब ये भागेगा नहीं। हम मैजिशियन नहीं है, ना ही हम जादूगर हैं। हमें नॉलेज है सांपों के बारे में। इसका टारगेट सिर्फ यहाँ है, बंगला में गोखुरो, बंगला में खरीस, हिंदी में नाग, इंग्लिश में ये कोबरा, और साइंटिफिक नेम नाजा नाजा। जरा किस्मत जी इसको पीछे से दिखलाइए, पीछे से देखिए। अब ये हमें टारगेट कर लिया है। बैठ जाइए किस्मत जी, ध्यान से देखिए, यही है नाजा नाजा। अंधविश्वासी लोग नाग पंचमी के दिन सांपों के मुंह में दूध डाल देते हैं। अगर इन्हें दूध डाल दिया जाए तो यह हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सांपों के पेट के अंदर एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये दूध को हजम नहीं कर सकते हैं। और जितने भी जो दूध देने वाले प्राणी होते हैं, गाय बछड़ा बैल, ये सब दूध देते हैं, ये एंजाइम इनके पेट में होते हैं, ये बड़ा इजी प्रोसेस से दूध को पचा लेते हैं, लेकिन ये नहीं पचा पाते हैं। दूध पिला दो तो वोमिटिंग, निमोनिया, बुखार और डेथ। कैसा लग रहा है? ठीक है, इसे हम प्राकृतिक परिवेश में पहाड़ी में छोड़ देंगे। हार मानने वाला सांप नहीं है, यही एक ऐसा सांप है जो लड़ाकू होता है, लड़ जाएगा, मरना पसंद है, पीछे की ओर भागना पसंद नहीं। तो साथियों फ्री हैंडलिंग ना करें। सांपों का रेस्क्यू टांग है, ये रहा रेस्क्यू टांग, यहां से ऐसे पकड़िए, ऐसे और ऐसे उठा दीजिए। कुदरत का बनाया हुआ अनमोल रत्न जिसे हम सांप कहते हैं। इन्हीं सांप शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।